High in the halls of the kings who are gone, Jenny would dance with her ghost. हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं जैनी सॉन्ग के बारे में। जैनी सॉन्ग को सीजन 8 के एपिसोड 2 में पॉडरिक ने गाया है। इस सॉन्ग के बारे में जानने के लिए हमें गेम ऑफ थ्रोन्स की हिस्ट्री में चलना पड़ेगा। रॉबर्ट बराथियन से पहले राजा थे एरीज टारगेरियन। अब एरीज टारगेरियन से रॉबर्ट बराथियन राजा कैसे बने, इसके ऊपर मैंने अलग से एक वीडियो बना रखी है, आप चाहें तो देख सकते हैं। और अगर हिंदी की बात करें तो इस टॉपिक के ऊपर पूरे YouTube पर इससे अच्छी वीडियो आपको नहीं मिलेगी। ओके, जेनी सॉन्ग की कहानी की शुरुआत होती है किंग एरीज द फर्स्ट से। इनके राजा बनने से पहले ही सभी ड्रैगन्स मर चुके थे, सिर्फ उनके अंडे जिंदा थे। तो इनका ये मानना था कि इन अंडों को हैच किया जा सकता है, अगर इन अंडों को आग में गर्म करें तो इनमें से ड्रैगन्स बाहर निकल सकते हैं। इनके बाद राजा बने किंग मेकर, जिसके बड़े बेटे का नाम था मेस्टर एमन, जिससे आप शो में भी मिल चुके हैं। जब इन्होंने राजगद्दी ठुकरा दी तो इनके बाद राजा बने किंग एगोन द फिफ्थ। किंग एगोन द फिफ्थ ने राजा बनते ही डंकन द टोल को किंग्स गार्ड का लॉर्ड कमांडर बना दिया। So Duncan the Tall. Four pages for Sir Duncan. फिर जब किंग एगोन द फिफ्थ के बच्चे हुए तो उन्होंने अपने सबसे बड़े बेटे का नाम डंकन ही रखा, दूसरे बेटे का नाम एरीज टारगेरियन और तीसरी थी उनकी बेटी रेला। प्रिंस डंकन को एक नीचे घराने की लड़की से प्यार हो जाता है और वो उनसे शादी कर लेते हैं। लेकिन किंग एगोन द फिफ्थ को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई और उन्होंने कहा कि या तो तुम राजपाट को चुन लो या इस लड़की को चुन लो। प्रिंस डंकन ने राजपाट को ठुकरा दिया और जैनी को अपना लिया, जिसके कारण राजगद्दी एरीज टारगेरियन के पास चली गई, जिसको हम मैड किंग के नाम से जानते हैं। जिस समय डंकन और जैनी की शादी हुई तो जैनी अपने साथ एक वुड स्विच भी लेके आई, जो उसकी बहुत पुरानी दोस्त थी। वो एक जादूगरनी थी और जब वो किंग्स लैंडिंग आई तब उसने एक प्रोफेसी की थी कि अजोर अहाई टारगेरियन खानदान से ही होगा। तो इसलिए किंग एगोन द फिफ्थ ने रेला और एरीज टारगेरियन की शादी करवाई। उसके बाद उनके बेटे हुए रेगार टारगेरियन, विसेरियस और डिनेरियस टारगेरियन। जैसे वुड्सविच ने ये प्रोफेसी की थी कि द प्रिंस हु वाज प्रोमिस्ड वो टारगेरियन खानदान से होगा, वैसे ही किसी ने प्रोफेसी की थी कि ड्रैगन्स भी दुनिया में वापस आएंगे। पहले ये बात किंग एरीज द फर्स्ट मानते थे, उसके बाद इस बात पर बहुत ज़्यादा विश्वास करते थे किंग एगोन द फिफ्थ। तो इसलिए जब रेगार का जन्म हुआ तो उन्होंने एक बर्थडे पार्टी दी और वो बर्थडे पार्टी थी समर हॉल में। समर हॉल में जब वो बर्थडे पार्टी चल रही थी उस दौरान एगोन द फिफ्थ ने उन अंडों को हैच करने की कोशिश की ताकि वो एक ड्रैगन रेगार टारगेरियन को उसके बर्थडे पर गिफ्ट कर सके। लेकिन उन अंडों को हैच करते वक्त वहाँ आग लग गई, जिसमें किंग एगोन द फिफ्थ, डंकन, जेनी और कई लोगों की मौत हो गई। उसे हम ट्रेजेडी एट समर हॉल के नाम से भी जानते हैं। फिर जैनी की जो दोस्त थी वुड्सविच, उसने जैनी की याद में ये गाना लिखा था। ओके, ये था जैनी सॉन्ग का पूरा डिस्कशन। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, नहीं लगा हो तो डिसलाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। थैंक यू गाइज। High in the halls of the kings who are gone, Jenny would dance with her ghost.